हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वधवानी आथेला मिर्ची, या फिर इसे हम रायता मिर्ची भी बोल सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम मिर्ची। पहले हम इसे अच्छे से धोकर इसको अच्छे से साफ करके इसे अच्छे से काट लेना है। ऐसे काटने के बाद हमें उसमें नमक, हल्दी पाउडर और नींबू पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से एकदम मैरिनेट करके हमें इसे एक रात के लिए ऐसे ही ढक के रख देना है। और यहाँ पे मैंने इसे एक रात ऐसे ही ढक के रख दिया है। इसे ऐसे मैरिनेट करके एक रात रखने का रीज़न ये है कि इससे अच्छे से पानी छूट जाएगा और मिर्ची के अंदर भी नमक वाला टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे कैसे पानी निकल चुका है। फिर उस मिर्ची को हमें एक कॉटन के कपड़ों में अलग अलग करके बिछा के एक घंटे के लिए हमें ऐसे ही उसको रहने देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक घंटे हो चुके हैं। अभी हमें इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेना है। अभी हमें एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेना है। हमें यहाँ पे तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा इसे हमें गर्म करना है। फिर हमारा तेल यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें हमारे राय के कुरिए डाल देंगे और अभी हम इसमें अपनी मिर्ची डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये हमारी मिर्ची बिल्कुल तैयार है। इसे आप चाहे तो एक महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।